SBCA ने बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए एक नया तरीक़ेकार जारी कर दिया है, जिसके ज़रिए अब आवाम और बिल्डर्स को इस तरीक़ेकार पर अमल करके मंजूरी लेना होगी। वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक नई सहूलत का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए अथॉरिटी को 15 दिन की मुद्दत के अंदर अंदर इमारत के मंसूबे की मंजूरी दी जा सकेगी। SBCA हुकाम के मुताबिक दरख्वास्त दहिंदगान अब सिविक सेंटर कराची में नज़्द SBCA के सिंगल विंडो सहूलत मरकज के ज़रिए अपने दस्तावेजात की मंजूरी ले सकेंगे। SBCA ने कैटेगरी 1 की इमारतों के लिए इस सहूलत से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया है। 1 से 300 मुरबा गज के दरमियान साइज के तमाम रिहायशी प्लॉट्स भी इसी कैटेगरी 1 में आते हैं। इन मंजूरियों के लिए दरख्वास्त देने के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को अपने इमारत के मंसूबे सिंगल विंडो सहूलत मरकज में जमा कराने और दिए गए 6 मराइल पर अमल करने की जरूरत होगी, जिसमें नंबर 1 मुतालिका लैंड इदारों यानी KDA, MDA, KMC और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के प्लॉटों के टाइटल, जमीन के इस्तेमाल और तूलो अर्ज की तस्दीक के लिए वेरिफिकेशन लेटर हासिल करना होगा। नंबर 2 सिंगल विंडो सहूलत मरकज में इमारत का मंसूबा ऑनलाइन जमा करवाएं और एक एतराफी रसीद वसूल करें। ये स्क्रूटनी फीस की अदायगी और पोजीशन की पहली और आखिरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद किया जाएगा। नंबर 3 SBCA टाउन के एहलकार जायवकू का खुद मुआयना करेंगे। नंबर 4 किसी इमारत की तामीर के बाद मालिक लाइसेंस याफ्ता पेशावर आर्किटेक्ट या इमारत का बिल्डिंग प्लानर के जरिए कब्जे की तकमील और इजाजत के लिए नोटिस जमा कराएगा। नंबर 5 SBCA के अहदेदार इमारत के जमा करवाए गए मंसूबे की तामील की तस्दीक करने के लिए एक बार फिर साइट का मुआयना करेंगे। नंबर 6 दरख्वास्त दहिंदा SBCA से एक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट वसूल करेगा।